मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने अव्ययी भाव समास कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड भेद पढ़ेंगे समास का, तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जो आपके तत्पुरुष समास है उसमें जो उत्तर पद मुख्य होगा और बीच में की जो विभक्तियां होंगी उनका हम लोप करके समस्त पद बनाएंगे। तो आप तत्पुरुष समास में फर्स्ट देखिए, पहला है द्वितीय तत्पुरुष समास। इसमें मैंने कुछ पद लिखे हैं, श्रितः, गतः, प्राप्तः, अतीतः, पतितः, आपन्नः आदि। इन शब्दों के योग में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। आपके जो द्वितीय तत्पुरुष समास है उसमें जो पद हैं इन पदों के योग में द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। तो इसमें आप देखिए समस्त पद में पहला एग्जाम्पल देखिए इसका, दुख प्राप्त, प्राप्त ये पद मैंने ऊपर लिखा है। इस पद के योग में जो पूर्व पद होगा उसमें आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। वैसे तो आप द्वितीय तत्पुरुष समास में कोई दूसरा एग्जाम्पल भी आएंगे तो आपको उसको जब आप विग्रह करोगे तो वहाँ पर को का बोध होना चाहिए। को द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह है, तो जहाँ को का बोध होगा वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। इसी के साथ में जो ये पद दे रखे हैं इन पदों के योग में आपको इजी वे में आपको पहचान हो जाएगी और इजी तरीके से आप कर सकोगे, आसान हो जाएगा आपको कि इसमें कौन सा समास है। तो देखिए दुख को प्राप्त, तो इसमें दुख को प्राप्त, तो दुख पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा तो यहाँ आएगा दुखम प्राप्तः, दुख को प्राप्त। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए ग्रह गतः, गतः का अर्थ होता है गया, कहाँ गया, घर को। तो यह ग्रह पद में गतः के योग में ग्रह पद में आपके द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, तो इसका समास विग्रह होगा ग्रहम गतः। थर्ड एग्जाम्पल देखिए कृष्ण श्रितः, श्रितः का अर्थ होता है शरण में गया हुआ। तो यहाँ श्रितः पद के योग में कृष्ण पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, अर्थात यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास है। तो यहाँ इसका समास विग्रह होगा कृष्णम श्रितः, कृष्ण की शरण में गया हुआ। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए संकटापन्नः, इसका आपन्नः का अर्थ होता है प्राप्त, किसको प्राप्त, संकट को प्राप्त। तो यहाँ संकट पद में आपके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, अर्थात यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास है किसके योग में, आपन्नः के योग में। नेक्स्ट देखिए इसमें तृतीय तत्पुरुष समास, हमने द्वितीय तत्पुरुष के कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, अब तृतीय तत्पुरुष समास देखिए। इसमें पूर्वः सदृशः सम, सदृशः का अर्थ होता है समान और सम का अर्थ भी होता है समान। भिन्न हीनः कलह मिश्रः उनार्थः, इन शब्दों के योग में तृतीय तत्पुरुष समास होता है। ये जो पद दे रखे हैं इन पदों के योग में आपके तृतीय तत्पुरुष समास होगा। जैसा एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, नख भिन्नः, नख का अर्थ होता है नाखून, नाखूनों से भिन्न या अलग, तो नाखूनों से नाखून पद इसमें आपके तृतीय बहुवचन के अंतर्गत आ रहा है। तो भिन्न पद के योग में नख पद में तृतीय तत्पुरुष समास हुआ है, तो इसका समास विग्रह होगा नखई भिन्नः, नाखूनों से भिन्न। यहाँ नखई पद आपके तृतीय बहुवचन का पद दे रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए विद्याहीनः, तो हीन पद के योग में, हीन का अर्थ होता है रहित, तो हीन पद के योग में विद्या पद में आपके तृतीय तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ समास विग्रह क्या होगा, विद्याहीनः, विद्या से हीन। यहाँ विद्या रूप किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, लता के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए मास पूर्वः, महीने से पहले, तो यहाँ पूर्व पद के योग में मास पद में आपके तृतीय तत्पुरुष समास हुआ है, तो इसका समास विग्रह होगा मासेन पूर्वः, महीने से पहले। नेक्स्ट देखिए मातृ सदृश, माता के समान, तो सदृश पद के योग में आपके मातृ पद में कौन सा हुआ है, तृतीय तत्पुरुष समास हुआ है, तो इसका समास विग्रह होगा मात्रा सदृश, माता के समान। यहाँ माता के षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है, लेकिन सदृश पद के योग में यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास हुआ है। नेक्स्ट देखिए चतुर्थी तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास में बलिः, हितम, रक्षितम, सुखम
आदि शब्दों के योग में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। तो इन पदों के योग में बली है, हित है, रक्षित अर्थात रक्षा करना, हित चाहना। तो यहाँ पर इन पदों के योग के अंदर चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, गोहितम, गाय का, गाय के लिए हित, ठीक है। तो यहाँ हित पद के योग में गो पद में आपके चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। तो गो पद का चतुर्थी एक वचन में रूप बनता है गवे हितम, गाय के लिए हित। नेक्स्ट देखिए गो सुखम, गाय के लिए सुख। तो सुख पद के योग में गो पद में चतुर्थी विभक्ति का रूप बनता है गवे सुखम। इसी तरह से देखिए गो रक्षितम, गाय के लिए रक्षा। तो यहाँ गो पद में चतुर्थी विभक्ति का रूप बनता है गवे रक्षितम। तो यहाँ इन पदों के योग में आपके चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ है। तो आज हमने तत्पुरुष समास के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी तत्पुरुष ये तीन कंप्लीट किए हैं। अभी हमारा तत्पुरुष समास कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। और साथ के साथ आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको कंप्लीट करना है। इसी के साथ ये कुछ आपको शब्द दे रखे, कुछ पद दे रखे हैं, जैसे सुख प्राप्त, विद्यालय गत, सीता सदृश, गुणहीन और भूत बली। इन पदों का आपको समास विग्रह करना है और ये लिखना है कि ये तत्पुरुष समास के कौन से समास में आते हैं, तत्पुरुष के कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं, मतलब द्वितीय तत्पुरुष में आते हैं या तृतीय तत्पुरुष में। तो आप इन समस्त पदों का समास विग्रह करोगे और साथ ही समास का नाम भी लिखोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन समस्त पदों का समास विग्रह भी बताऊंगी और आपका कौन सा समास के अंतर्गत आते हैं ये नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप वहां से तब चेक कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।